आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत। आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अनेक्टेड हुआ है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसका डेट क्या है? 15 जून 2005। यह हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट है, 2005 में हुआ है, एसेंडेंट टू 22 जून 2005 और कमेंस्ड 12 अक्टूबर 2005। टेरिटोरियल एक्सटेंट वॉल ऑफ इंडिया, सभी पूरी इंडिया में यह लागू हुआ। आल्सो जम्मू एंड कश्मीर सिंस अगस्त 5 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, आफ्टर आर्टिकल 370 रिवॉक्ड, ठीक है? 370 आर्टिकल हटने के बाद आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क सिटीजन्स, जो नागरिकों को लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है। डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ से किस इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए, इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हमें सूचना यदि चाहिए होती है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम वह सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूट संविधान के अंतर्गत जो भी अथॉरिटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या अथॉरिटी और बॉडी हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बाय द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सूचना का अधिकार या 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है? आरटीआई के फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, भारत सरकार द्वारा 2005 में अधिनियम लागू किया गया था। इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। आरटीआई नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है ना? आरटीआई से नागरिक सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकती है, उनसे जुड़ी सूचना या इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। आरटीआई से जो सिटीजन्स हैं, सरकार के किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट की जाँच और प्रमाणित प्रतिलिपि या उसकी फोटोकॉपी हम प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई से नागरिक जो भी गवर्नमेंट कामकाज में इस्तेमाल की गई जो भी सामग्री है, मटेरियल है या उसका जो भी नमूना है या डेटा है आदि, उससे जुड़ी सूचना है, जानकारी वो हम प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत कोई भी नागरिक या सिटीजन्स सरकार से सरकारी सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका मूल उद्देश्य या मूल जो भी मेन ऑब्जेक्ट है वह नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, ठीक है? कि टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। बाय नोटिफिकेशन इश्यूज्ड और ऑर्डर, नोटिफिकेशन इशू होते हैं, ऑर्डर है, मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स बॉडी ऑन कंट्रोल और सब्सिस्टेंटली फाइनेंस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिस्टेंटली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें जो भी सिटीजन्स हैं, सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अपील कर सकते हैं और जो भी डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी सूचना या आंकड़े हैं वो भी हम डेटा हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें सूचना उपलब्ध
करवाने के उद्देश्य से, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा एक आरटीआई पोर्टल, इसमें आरटीआई पोर्टल है वो तैयार किया गया है। आरटीआई पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी नागरिक इसमें अपील कर सकता है। अपीली जो प्राधिकारी हैं PIO आदि के विवरण को खोज सकता है। अब हमें इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, इन्फॉर्मेशन मीन्स जो हमें RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसमें इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोज हैं, ओपिनियंस हैं, एडवाइस, प्रेस रिलीजियस हैं, सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स एंड लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स, पेपर, सैम्पल्स एंड मॉडल्स। नीड फॉर RTI एक्ट, RTI एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई? इट हेल्प्स टू हेल्प करने के लिए प्रमोट ओपन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, रिड्यूस करप्शंस, करप्शंस को कम करने के लिए, प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेंस, ब्राइड द गैप बिटवीन प्रोवाइड्स एंड रिसिप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, मेक सिटीजन्स पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिव, स्ट्रेंथ द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोड्यूस फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी है उसके लिए क्या रिक्वेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है ना, कि सूचना का अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसमें हम कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका जो भी अपील है वो करने का क्या तरीका है। अप्लाई इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्पेसिफाइंग टू द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन साउट फॉर। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अलग अलग RTI पोर्टल हैं। इन RTI पोर्टल्स में ऑनलाइन RTI अपील है वो कर सकते हैं। RTI अपील उसके विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सूचना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नागरिक है वो इस एक्ट के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह अंग्रेजी में, हिंदी में या जो उसकी भी आधिकारिक भाषा में लिखित रूप से संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी को एक आवेदन जमा करवाना होता है और आवेदन जमा करवाने के लिए इसे आवेदन शुल्क भी जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, रीजंस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, पे फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी फीस है वो उसको शुल्क है वो हमें जमा कराना होता है। जो भी सिटीजन से खुद ही उन सूचना अधिकारी के समक्ष RTI आवेदन जमा करवा सकता है। इसके अलावा यदि नागरिक चाहे तो सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा भी RTI आवेदन या अपील कर सकता है। सहायक सूचना जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके द्वारा RTI आवेदन अपील को जन सूचना अधिकारी तक अग्रेषित किया जाता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा RTI आवेदन की जांच करने के बाद अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाए, उसमें इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यदि अनुरोध है उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता को मांगी गई जानकारी या सूचना मुहैया करवा दी जाती है। इस प्रकार कोई भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन RTI आवेदन कर सकता है। RTI दाखिल करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हैं उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा 30 दिनों के भीतर सूचना अपीलकर्ता को दे दी जाती है। ठीक है, ये इसका पूरा है कि किस तरह से हमें इसमें अपील करनी होती है, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है।
फिर है फीस एंड चार्जेस, इनके क्या फीस हैं और क्या चार्जेस हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ रूज 10, 10 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस होता है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, यदि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्लॉपी CD, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। उसके लिए एडिशनल चार्जेस है वो हैं, फोटोकॉपी चार्जेस 2 रुपये हैं पर पेज, इंस्पेक्शन चार्जेस ऑफ रिलेवेंट फाइल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, नो फीस फॉर फर्स्ट हावर ऑफ इंस्पेक्शंस, पहले घंटे का जो इंस्पेक्शन उसमें कोई फीस नहीं है। रूल्स 5 ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट हावर ऑफ फ्रैक्शन देयर और प्रोसेसिंग एक्सपेंस इनकरेक्ट बाय द PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू बी इंटीमेटेड इन राइटिंग। एप्लीकेंट कैन सीक रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑन फीस चार्जेस बाय द PIO बाय अप्लाइंग टू द एप्रोप्रिएट है ना अथॉरिटी। नो फीस फ्रॉम पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन इफ़ द PIO फेल्स टू कंपाइल विथ इन द टाइम लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द RTI एक्ट। अब है टाइम लिमिटेशन टू गेट द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जो टाइम लिमिट्स है वो बताई गई हैं 30 डेज इफ़ एप्लीकेशन इज फील्ड विथ द PIO, ठीक है 30 दिन के अंदर उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है। 35 डेज इन केस इट इज़ फील्ड विद द असिस्टेंट PIO, 48 आवर्स इन केस द मैटर टू विच द इंफॉर्मेशन पर्टेंस अफेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। कवरेज किस किस को इसमें कवरेज किया गया है। RTI एक्ट केम इंटू इफेक्ट ऑन 12 अक्टूबर 2005, ये डेट थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब ये इफेक्ट हुआ था, 12 अक्टूबर 2005। कवर्स किस किस को कवर किया गया है, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल बॉडीज ऑन्ड कंट्रोल्ड और सबसे टेंटली फाइनेंस्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट सेक्शन, इसमें सेक्शन बताया गया है सेक्शन 2 हैरा ब्रैकेट में एच, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबस्टेंटली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोवाइड टू प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड by under any other law for the time being in force section 2 bracket mein F, exceptions from disclosure of information, मतलब किस सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, या इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ट्रेड सेक्रेसी, फॉरेन गवर्नमेंट, सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, कैबिनेट पेपर्स, प्राइवेसी एंड कॉपीराइट, ये एक्सेप्शन केस हैं फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशंस। अपील ये मैं बता चुकी हूँ पहले, पर फिर भी फर्स्ट अपील विथ सीनियर इन द डिपार्टमेंट, सेकेंड अपील विथ इंफॉर्मेशन कमीशन, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, टू बी एन एपलेट अथॉरिटी एंड टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट हैज़ वेरियस पावर अंडर द RTI एक्ट। पेनल्टीज इसमें पेनल्टीज का भी प्रावधान है कि यदि इंफॉर्मेशन यदि आपको टाइम पे नहीं दी जाती है तो उसमें पेनल्टीज भी लगती है। द पेनल्टीज लेविड अंडर द RTI एक्ट एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ रूज 25,000 is recovered from the salary of officials. Okay? ये पूरा RTI एक्ट है, इसको मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। इसमें इनकी डेट्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। वॉल बॉडीज़ में नॉर्मल यही पूछा जाता है RTI एक्ट है वो कब हुआ,
ठीक है, तो ये सारा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट है वो लेके आएंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।